नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स में बात करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस का, लेटेस्ट करेंट अफेयर्स झारखंड का, जो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड टीचर सहित दूसरे तमाम परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है। बाद के लिए आपको नहीं सोचना है कि बाद में करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो रेगुलर में ये क्लासेज आपको सुबह में 8 बजे हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है। इन दिनों झारखंड में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है आपको बताना है। ऑपरेशन ऑक्टोपस झारखंड में हाल में ही लातेहार के बूढ़ा पहाड़ जंगल में चलाया गया था। उसके पहले ये कोल्हान के जो जंगल वाले क्षेत्र है वहां चलाया गया था। तो आप लोग को उत्तर भेजना है इसमें और सही उत्तर क्या आएगा देख लेते हैं। सही उत्तर है कि झारखंड में नक्सली गतिविधि को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। तो ये सही उत्तर है कि झारखंड में जो है वो आप उत्तर देख लें इसका, कि सही उत्तर होगा कि नक्सली गतिविधियों को करने के लिए चलाया जा रहा है। जो नक्सली गतिविधि है उसको देखिए, झारखंड में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस 20 चलाया जा रहा है और हाल ही में लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पर इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में सिलेंडर व टिफिन बम बरामद किए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो नक्सली आंदोलन जो चल रहा है झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी, इसकी स्थापना 1967-68 में, ये नक्सलवाड़ी एक स्थान है और जीके में भी एक इम्पोर्टेंट है, नक्सलवाड़ी बंगाल में आता है, जिसमें दीपंकर भट्टाचार्य और दूसरे चारू मजुमदार और तीसरे कानू सन्याल, इन्होंने नक्सलवाड़ी में एक संगठन बनाया था और बाद में नक्सलाइट आंदोलन के नाम से भी ये जाना गया। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, झारखंड में किस जिले में आवर हैप्पी फैमिली योजना चलाई जा रही है। आवर हैप्पी फैमिली योजना ये झारखंड के किस जिले में चलाई जा रही है आपको उत्तर करना है। और ये एक संस्था बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, एक एनजीओ की शुरुआत की गई है और जो लोग भी समाज से कट गए हैं, समाज में पूर्ण रूप में नहीं शामिल है, निराश है, डिप्रेशन में है, उनको एक साथ जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई। आपको बताना है कि किस जिले में इसका शुरुआत किया गया है झारखंड में। ये डेली करंट अफेयर्स आपके साथ हम सुबह 8 बजे जुड़ते हैं। तो ये फैमिली योजना का संबंध किस चीज से है आपको ये जानकारी देना है और सही उत्तर इसका क्या होगा। और आबर फैमिली हैप्पी योजना जो है आप ये देखें, ये इसका संबंध कैंसर पीड़ित परिवारों से, कैंसर पीड़ित परिवारों से है। और ये जो है इसका कोडरमा जिला, सही उत्तर होगा ये कोडरमा जिले में शुरू किया गया है और इसका संबंध कैंसर पीड़ित परिवारों से है। प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को पूरे भारत में कैंसर दिवस मनाया जाता है। कोडरमा में कैंसर पीड़ित, ये देखिए जज्बा कितना अच्छा है कि कैंसर पीड़ित 10 लोगों ने मिलकर आवर हैप्पी फैमिली कैंसर सर्वाइवर्स एंड पेशेंट नामक एक ट्रस्ट बनाया है जो कैंसर से लोगों की रक्षा करने और इससे पीड़ित लोगों को सहायता में मदद करता है। ये कैंसर तो आपको पता ही है कि डॉक्टर्स का बोलना रहता है कि ये डिपेंड्स अपॉन द स्टेज, इट इज क्यूरेबल बट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। तो किस स्टेज में पता चला है
और काफी खर्चीला हो जाता है। जिनके भी घर में कोई पीड़ित होंगे उनको बार बार मेहरबाई कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में है वहाँ आना जाना, काफी खर्च और शरीर को जो कष्ट मिलता है वो है। लेकिन जो पीड़ित थे उन्होंने एक जज्बा दिखाया कोडरमा में, 10 ऐसे लोगों ने मिलकर के एक एक संस्था बनाया और ये है जो आवर हैप्पी फैमिली कैंसर सर्वाइवर्स एंड पेशेंट ट्रस्ट। तो ये कोडरमा जिला सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, वर्ष 2022 में झारखंड के प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2022 में झारखंड का प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप दें। ये इसी साल शुरू किया गया और प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार, और इसका सही उत्तर आप लोगों ने भेज दिया है। तो देख लेते हैं कितने लोगों का जो उत्तर है वो एकदम से सही हो रहा है। और ये है सही उत्तर कि वर्ष 2022 का प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकार को दिया गया है और इसमें अरुणाचल प्रदेश के टंगसा आदिवासी है, रेमेन लोंगको, ये इनकी जो साहित्य रचना थी कॉमकोंग फॉमकोंग ये रचना के लिए दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, डकैत देव सिंह भील, और ये इनकी पुस्तक का नाम डकैत देव सिंह भील के लिए इनको दिया गया। और दिल्ली की उरांव आदिवासी उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, इनको धरती के अनाम योद्धा जो है उनके लिए ये मरणोपरांत मिला है इनको, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को। और बाकी जो लोग हैं वो 2, एक अरुणाचल प्रदेश, तो पहला जो पुरस्कार मिला वो अरुणाचल से मिला है, दूसरा पुरस्कार जो मिला है वो महाराष्ट्र से मिला है, और तीसरा जो मिला है वो दिल्ली से मिला है। तो 3 आदिवासी, 2 युवक और 1 युवती, जो मरणोपरांत मिला है उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को, धरती के अनाम योद्धा के लिए दिया गया है। लेकिन बाकी जो दिया गया है वो सुनील गायकवाड़ को, वो डकैत देव सिंह भील के लिए, और साथ ही साथ रेमेन लॉन्ग को दिया गया है कॉमकोंग फॉमकोंग के लिए, ये उनको दिया गया है। तो ये सही उत्तर होगा। और ये प्रथम जयपाल सिंह का जो पुरस्कार था, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार, ये जो था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कितने किसान उत्पादक संगठन नवंबर 2022 तक झारखंड में कार्यरत हैं और वो कहां पर स्थित है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कितने किसान उत्पादक संगठन नवंबर 2022 तक झारखंड में कार्यरत हैं और वो कहां पर है, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कितने किसान उत्पादक संगठन नवंबर 2022 तक झारखंड में कार्यरत है और वो कहां पर स्थित है। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर देना है, क्या सही उत्तर होगा, और जल्दी से चलिए देख लेते हैं ताकि आपका समय कम लगे। और यहां आ गया सही उत्तर कि यह एक कार्यक्रम है जिसमें समूह बनाकर खेती करने पर, ये भारत सरकार की अभी योजना ऐसा चल रहा है पहले से, समूह बनाकर खेती करने पर जोर दिया जा रहा है, इसे FPO कहते हैं। और इसे लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वर्तमान में डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह, उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया है। रांची जिला के कांके, नामकुम, मांडर और लापुंग में अमृत आधारित, मतलब जो ग्वावा कल्टीवेशन है उसको कैसे बेहतर किया जाए, इन दोनों हाइब्रिड वेराइटी की कल्चर है,
और आपने देखा होगा कम हाइट पर या फिर एक ही स्टेम में दो अलग अलग प्रकार के अमरूद आ गए हैं, और अब तो इतने बड़े पौधे पर भी अमरूद आपको दिख जाएगा जो हाई यील्डिंग वैरायटी का आया हुआ है। और गुमला जिले के भरनो एक जगह है भरनो, और यहाँ पर हरी मिर्च आधारित कुल 5 FPO झारखंड में बनाया गया है, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ताकि बाद का करंट अफेयर्स का आपके ऊपर लोड नहीं रहे। तो डेली सुबह में 8 बजते ही ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रांची झारखंड के रांची से कुछ संगठन ने एक नए रेजिमेंट की डिमांड की है। सेना में एक नया रेजिमेंट का डिमांड शुरू हुआ है झारखंड के रांची से। ये सेना में जैसे सिख रेजिमेंट होता है, मराठा रेजिमेंट होता है, ब्रिटिश काल में भी होता था रेजिमेंट, अलग अलग राजपूत रेजिमेंट होते हैं, वैसे ही एक झारखंड के रांची से कुछ संगठन ने एक नया रेजिमेंट का डिमांड किया है। उसका क्या नाम है, क्या रेजिमेंट वो चाहते हैं, ये आपको बताना है कि किस रेजिमेंट का वो डिमांड किए हैं। और रेजिमेंट से एक और प्रश्न पूछ लेते हैं कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, सिपाही विद्रोह के नायक, जो सिपाही विद्रोह 10 मई को हुआ था उसके कुछ महीने पहले उन्होंने जब रिवोल्ट किया था वो किस रेजिमेंट के थे, इसका भी उत्तर आपसे चाहेंगे जरूर। और इसका आप लोग जो उत्तर भेज रहे हैं जल्दी जल्दी क्विक भेजिए। झारखंड के रांची से कुछ संगठन ने एक नए रेजिमेंट की डिमांड की है, और उसका क्या नाम है, उस रेजिमेंट का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इस वक्त में सही उत्तर इसका आ गया है, और सही उत्तर है रांची से जो है प्रदेश यादव महासभा ने अहीर रेजिमेंट की मांग की शुरुआत की है, और उनका ये कहना है कि जो रांची का प्रदेश का यादव महासभा है उसने शुरुआत किया है डिमांड का। रेजिमेंट का नाम अहीर रखा गया, हालांकि बहुत से लोग अहीर कमेंट करने पर थोड़े अच्छा भी है, कुछ लोग इसको माइंड भी कर लेते हैं, लेकिन ये डिमांड किया गया है, अहीर रेजिमेंट की मांग की शुरुआत की है। 1962 में बोला गया है कि युद्ध जब हुआ था 1962 में, तो बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल थे, और रेजंगला युद्ध जो बहुत फेमस है चाइना के साथ हुआ था 1962 में, और उसी युद्ध में हमारा कुछ जमीन भी चाइना ने लिया था, खास करके जो काराकोरम वाला एरिया है, और जिसका नाम उसने अक्षय चीन कर रखा है वर्तमान में। तो इसलिए सेना में एक अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए, और ये डिमांड है फिलहाल, आगे इसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है। तो हमने इसके पहले भी आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछा था, और वो क्वेश्चन क्या था, मंगल पांडे को लेकर के पूछा था। तो चलिए मंगल पांडे को लेकर के एक तो उत्तर आया है, और सही उत्तर होगा 34th रेजिमेंट, 34वीं बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। चलिए झारखंड जीके चल रहा है और उसमें करंट अफेयर्स पर बात कर रहे हैं, ताकि बहुत बड़ा समस्या होता है करंट अफेयर्स को झारखंड का एग्जाम के समय जानना, तो इसको डेली आप करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। वर्ष 2022 का जलवायु सम्मेलन की शुरुआत कहां हुई, झारखंड से अलग हो गया है क्वेश्चन वर्ष 2022 के, क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप भी कर दिया जा रहा है ताकि आप नेशनल इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स जुड़ करके आप रहे। और इस समय सबसे बड़ा जो दिक्कत है भारत और वर्ल्ड के दूसरे स्थान पर वो है जो है ग्लोबल वार्मिंग का, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत आ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में ये क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तो वर्ष 2022 का जलवायु सम्मेलन मिस्र का, ये मिस्र का शर्म अल शेख शहर में शुरू हुआ है, और इसमें भारत भी शामिल है। भारत ने जलवायु के वित्त की परिभाषा, मतलब जो फाइनेंशियल क्लाइमेटिक फाइनेंस जो है उसका क्या परिभाषा है उस पर स्पष्टता चाहता है भारत, और ये भी चाहता है कि अनुदान फाइनेंस से सब्सिडी किस रूप में रहता है ये बताया जाए, और कैसे मतलब क्या रोड मैप है ये भी इंडिया का कहना है उसने। ये 27 सम्मेलन है जलवायु को लेकर के, इसके पहले क्योटो में भी सम्मेलन हो चुका है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी में भी सम्मेलन हुआ है,
और कैसे सीएफसी जो है उसके उत्सर्जन को रोका जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दिनों जलवायु बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, और आप जवाब रिसर्च करके भेजिए। तब तक आपको बता दें कि इस औसत तापमान में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तापमान CO2 से अथवा CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा? जितने आइस है, अंटार्कटिका पर आइस है, आर्कटिक पर आइस है, हिमालय एंडीज और रॉकी के ऊपर आइस है, ये सारे आइस मेल्ट करेंगे, और जब ये मेल्ट करेंगे तो ओशन का लेवल जो है, मीन सी लेवल, ये थोड़ा अप होगा। और मीन सी लेवल जब अप होगा तो बहुत सारे प्रदेश डूबने लगेंगे, खास करके जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, श्रीलंका भी डूबेगा, जापान तक डूब जाएगा, इंडिया के कुछ पोर्शंस डूब जाएंगे, मीन सी लेवल से जो भी पोर्शंस नजदीक है वो डूब जाएंगे। तो फिर इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन की कई संस्थाएं हैं और जो डेवलप कंट्री हैं, वो सारे देश इसके लिए एक सम्मेलन करता है रेगुलर। और ये है कि हालांकि इसका विरोध क्यों हो रहा है भी आपको बताएंगे, इसका ये है कि आप अभी इंडस्ट्री कम बैठाइए, प्रदूषण कम हो जितना ज्यादा, वो जरूरी भी है, लेकिन भारत और अन्य विकासशील देश जो है इनका ये मानना है कि एक सेचुरेशन पर जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्री और रशिया पहुंच गया, उन्होंने पूरा डेवलपमेंट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया, तो उसके बाद अब वो नसीहत दे रहा है उन देशों को, जो देश अभी विकासशील में है, जो डेवलप करना चाह रहे हैं, कि आपको कुछ काम नहीं करना, कार्बन उत्सर्जन रोकना है, नहीं तो आपके कटौती की जाएगी फंडिंग में। तो इसलिए इंडिया ने इस पर ये बोला है कि एक्चुअली में इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लाइमेटिक फाइनेंस जो है डेफिनेशन ये है क्या, और इसमें अनुदान या फाइनेंस या सब्सिडी किस रूप में रहता है, अगर वर्ल्ड बैंक देती है तो किस रूप में देती है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे रही, जिसका पुराना नाम GATT था, वो किस रूप में दे रही है। और यही कारण है कि इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान आप भारत में भी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट को रखा है अपने मुख्य केंद्रीय बिंदु में, कई डिसीजंस दिए जा रहे हैं, जो जब आप उसको नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोगों से हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी उत्तर हम चाहेंगे कि आपको देना चाहिए। अफ्रीका का एक झील अभी चर्चा में आ गया है अचानक से, और ये चर्चा में क्यों आ गया, एक विमान के डूबने से अफ्रीका का एक झील जो है ये अभी चर्चा में आ गया है, तो आपको ये बताना है कि चर्चा में क्यों आ गया है, और अफ्रीका का किस झील में एक विमान डूबने से चर्चा में आ गया है, और हमें लगता है कि जरूर आप इसका आंसर जानते होंगे। और सही उत्तर होगा विक्टोरिया लेक, ये विषुवत रेखा पर है, ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील जो है, और इसी झील से ब्लू नाइल नहीं निकलती बल्कि व्हाइट नाइल जो है रिवर वो निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है व्हाइट नाइल वो यहीं से निकलती है। ये नवंबर 2022 का ही घटना है, विक्टोरिया झील में विमान डूब गया जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित तंजानिया एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। तो हालांकि इसमें दोनों चीज अब इम्पोर्टेंट हो गया, एक तो जो नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर, एक तो ये रिवर विक्टोरिया से नॉर्थ की ओर जा रही है इजिप्ट की ओर में, और एक रिवर इथियोपिया के लेक टाना से आ रही है। तो यहाँ पर विक्टोरिया लेक है और यहाँ पर टाना झील है, तो ये वाला ब्लू नाइल है और ये वाला व्हाइट नाइल है। तो यहाँ पर खार्तुम में दोनों मिलकर के फिर वो चली जाती है मेडिटेरियन सी में। तो ये करंट इवेंट में इस समय चर्चा में है। नवंबर 2022 में कुल आयात किए जाने वाले तेल में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है?
आमतौर पर जब तेल का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि सऊदी अरब होगा, ईरान होगा, इराक होगा, लेकिन भारत में जो तेल आयात किया जाता है, हमारे पास बहुत कम वर्षों का पेट्रोल और डीजल बचा हुआ है, इसलिए जेट्रोफा प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, सोलर पैनल वाला, ये सारा कुछ आप देख रहे होंगे आ रहा होगा। तो भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा आयात होने वाला जो तेल है भारत में वो कहां से है। नया डेटा जो सबसे लेटेस्ट है और ये आ गया कि सबसे ज्यादा जो है वर्तमान में तेल आयात में सबसे अधिक हिस्सा जो है वो रशिया का है, सबसे अधिक हिस्सा रूस का है भारत में। यहां से 22% तेल इंडिया मंगा रहा है रशिया से। बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि संबंध थोड़ा खराब हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इराक से 20.5% तेल हम लोग मंगाते हैं और सऊदी अरब से 16% तेल आता है, सऊदी अरब से 16% तेल आता है वर्तमान में। और रशिया का सबसे ज्यादा प्रतिशत है इस समय में, 22% तेल जो है वो रूस से आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं जल्दी से। फॉक्स मैगजीन के अनुसार भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में किस इंडस्ट्री को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है? फॉक्स मैगजीन के अनुसार भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में किस इंडस्ट्री को सबसे ऊपर स्थान दिया गया? आपको लगता है कि आप आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे? और सही उत्तर है इसका कि फॉक्स मैगजीन ने इसके लिए सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो जो है 20वां नियुक्ता बताया है, रिलायंस इंडस्ट्री को बताया है 20वां नियुक्ता। और यह रैंकिंग राजस्व लाभ जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और मार्केट कैपिटल जो होता है उसके आधार पर दिया जाता है। इस रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग बहुत बड़ा बाजार है, एक नंबर पर है, अभी भी सैमसंग एक नंबर पर है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का नंबर आता है और आईबीएम का और अल्फाबेट और एप्पल, देखिए इसके मोबाइल काफी चलते हैं, और एप्पल का नंबर जो है वो बाद में है, पहले सैमसंग है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, अल्फाबेट है और एप्पल है। इस सूची में 2nd से 12 तक अमेरिका की कंपनी का कब्जा है, 2 से लेकर 12 तक अमेरिका की कंपनी है। जर्मनी की BMW 13वें स्थान पर है और अमेजोन 14वें स्थान पर और फ्रांस के डेकेथेनॉल 15वें स्थान पर है। इंडिया का सिर्फ एक कंपनी को मौका मिला है, First 100 में इंडिया की और कोई कंपनी जगह नहीं बना पाए हैं। तो थोड़ा झारखंड के साथ हमने दूसरे सेक्शंस के भी करेंट इवेंट को आपके लिए कर दिया, बट उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे शो में बने रहेंगे। और झारखंड का करंट अफेयर जो मॉर्निंग में हम 8 बजे आपको बताते हैं, और लेट नहीं करना है क्योंकि करंट अफेयर्स में आमतौर पर लोगों को लगता है कि बाद में बहुत बड़ा भार नजर आता है, JPSC के समय, JSSC और टीचर परीक्षा के समय क्या पढ़े क्या छोड़े, बाद में जो चीजें मैगजीन में प्रकाशित होगी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आप अभी से करने लगेंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। और उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम ही आपको दिखा पाएंगे और इसके बाद ही दूसरे स्थान पर आए, ये हमारा कोशिश जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।